अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां शनिवार रात को कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पहले तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह होश में आओ के नारे लगाए, साथ ही अंबानी अडानी की सोच से बाहर निकलने की बात कही। मौका था हजीरा सब्जी मंडी की जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण की भूमि पूजन का। यहां सिंधिया समर्थक व प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और कांग्रेस नेता सुनील शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। इसके बाद पुलिस को आकर मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गरीब को हटाकर कांग्रेस बनाने की क्या जरूरत है। प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि इनमें उन्हीं को दुकान मिलेगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा उपनगर ग्वालियर के हजीरा में लगने वाली सब्जी मंडी को कुछ समय पहले जिला प्रशासन ने इंटक मैदान पर स्थानांतरित कर दिया था। जिला प्रशासन के इस फैसले का तब कांग्रेस और स्थानीय सब्जी कारोबारियों ने जमकर विरोध किया था। इस विरोध प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कुछ समय के लिए शामिल हुए थे। ऐसे में कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री तोमर पर सब्जी कारोबारियों के साथ धोखा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में ऊर्जा मंत्री तोमर की समझाइश के बाद सब्जी कारोबारी मान गए थे और इंटक मैदान में स्थानांतरित हो गए थे। तब कहा जा रहा था कि पुरानी सब्जी मंडी हजीरा में पार्किंग बनाई जानी है, इस लिहाज से सब्जी कारोबारियों से खाली कराई गई है। लेकिन शनिवार को इसी जगह पर 1,65,00,000 की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का भूमि पूजन का कार्य आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भूमि पूजन करना था। कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा का कहना है कि 1,65,00,000 की लागत से हजीरा पुरानी सब्जी मंडी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को स्थानीय सब्जी कारोबारियों और कांग्रेस का विरोध झेलना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सब्जी कारोबारियों को पुरानी सब्जी मंडी में पुनः स्थापित करने की मांग की। इस मसले पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि सब्जी मंडी को इंटक मैदान में शिफ्ट किया जा चुका है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी स्थानीय लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है। जिंदाबाद बोल सकता हूँ, आप गरीब को यहाँ बसा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सरे नहीं लेना, मैं चला जाऊंगा। अरे अब देखो, तुम जो नेता नहीं मत करो, जो नेता नहीं मत करो, तुम मंडी 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 सिविल हॉस्पिटल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जनता ने विरोध प्रकट किया है कि अडानी अंबानी की सरकार की ये सोच नहीं चलेगी। जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक गरीबों को उजाड़ा गया है, गरीबों के पेट पे लात मारी गई है, गरीब को बेरोजगार किया गया है, उसका हमने पुरजोर विरोध किया है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।